चलो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ कैसे सीएनसी प्रोग्राम, जब सीएनसी प्रोग्राम में पीएमसी के ऊपर हम फानुक के पीएमसी है अगर है और उसके ऊपर हमें प्रोग्राम अगर एडिट करना है, कोई भी लेटर एडिट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने मोड को एमडीआई मोड में लेके जाइए। एमडीआई मोड के लेने के जाने के बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक PMCCNF सेटिंग आएगी, इसको ओके करना है। ओके करने के फिर से सेटिंग को ओके करना है। ओके करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि इसके इसमें राइट टू ए फ्रॉम एडिट यस होना चाहिए। अगर यस, इसको आप कर्सर से ये वाली की से आप इधर उधर कर सकते हो और कहीं भी आप इसको कर सकते हो। ये नो पे हो गया, ये यस हो गया और इसके बाद आप इनपुट ओके कर दोगे। अब इनपुट ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारी सेटिंग इसमें सही है, अगर जिसमें नहीं है उसके लिए हमें ये सेट करना पड़ेगा। इसके लिए अलावा इसमें के 900.2 कीप रिले भी हैं, उनके थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब हमें पीएमसी लेटर में जाना है। पीएमसी लेटर में जाके लेटर को जूम कर देना है। जूम करके बाद आपको जो इनपुट आपको चेंज करनी है वो इनपुट नंबर आप इसमें डाल दोगे 25.1। और मैंने इसको सर्च किया, अभी एक्चुअली इसमें सिंबल और एड्रेस दोनों दिखा रहा है, तो ये एक्चुअली ये है, ये भी मैं आपको बाद में सेटिंग बता दूंगा कैसे इसको आप चेक कर सकते हो। अब मुझे इसको करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फिर से मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसे, और इसमें देखो सबसे पहले आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करके एडिट मोड आ जाएगा। एडिट मोड ओके करते ही अब ये कर्सर इसी पे है, इसको हम जूम करना पड़ेगा। ये जूम कर दिया। जूम करने के बाद अब क्या करना है, इसका एड्रेस डालना है। इस पर जो आप एड्रेस दूसरा चेंज करना चाह रहे हो वो एड्रेस हम यहाँ डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ X31.0। ये इस 30.10 आ चुका है और मैं इसको क्या कर दूंगा, इनपुट कर दूंगा। ये मेरा इनपुट हो गया, तो यहाँ पे 31.10 ये हमारा आ चुका है। अब क्या करना है, अब इसको आगे चलोगे एग्जिट, इस पर एक मोड आएगा, ये एग्जिट आ गया। एग्जिट आते ही हम ये बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड का, ये अपडेट का, सॉरी। तो अपडेट करते ही हम ये मान लेगा डू यू अपडेट प्रोग्राम, तो हम यस कर देंगे। ये हमने यस कर दिया। यस करते ही यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में अलार्म भी दे दिया। अब इस कंडीशन में, इस अलार्म का मतलब ये है कि ये आपका प्रोग्राम तो इसी कंडीशन में चलेगा, लेकिन पावर ऑफ होने के बाद से फिर से प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट का करना पड़ेगा। एग्जिट जैसे हम करेंगे तो ये मांगेगा पीएमसी रनिंग डू यू राइट प्रोग्राम, हमें फिर से अगेन इसे यस करना पड़ेगा। जैसे हम इसे यस कर देंगे तो डू यू राइट प्रोग्राम इनटू फ्लैश रोम, तो हमें ये यस कर देना है। तो हमने जैसे इसे यस कर देंगे तो ये अब हमारा परमानेंट अलार्म हट गया और अब ये हमारा परमानेंट बीट ये हाई हो गई। तो बस दोस्तों, ये सिंपल है, लेकिन ये आप जब ये कर रहे हो, आप इंजीनियर है कोई हो, ये करने के बाद आप इसको भूलना मत कि आप फिर से इस मोड में आप वापस जाते हुए जब भी आप बैक हो जाओगे, तो बैक होने के बाद फिर से अपनी सेटिंग को आप ऑफ कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई भी इसको छेड़ सकता है और आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो मैं इसको फिर से वहीं नो कर देता हूँ। ओके, ये मेरा इस पर ले जाके ये नो मेरा हो चुका है। तो बस सिंपल से सेटिंग है वैसे। तो धन्यवाद दोस्तों।